अमेरिका की नैंसी पेलोसी पहुंची ताइवान। अब ताइवान एक ऐसा कंट्री है जिसको रिकॉग्निशन तो किसी से नहीं मिली, लेकिन एक कंट्री है, बहुत कम 10-12 कंट्री, छोटे छोटे कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो एक कंट्री है, लेकिन अमेरिका तो नहीं करता। और वहां पर नैंसी पेलोसी का विजिट बहुत सीरियस इशू था, चाइना ने बहुत धमकियां भी दी, प्लेन भी उड़ाए। इस विजिट का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे और क्वाड पे, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक गुलरेज शेख, डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर बहुत बहुत साहब, धन्यवाद क्या रोहित। नैन्सी पेलोसी के विजिट का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पर और क्वाड पर? देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगी कि उस महिला ने दिल गुर्दे दिखाए हैं और चीन की लाख धमकियों के बाद भी उसने जाकर दिखा दिया कि मैं जा सकती हूँ बिना डरे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है ना, अपनी खोई हुई जगह को वापस रिक्लेम कर रहा है। और चाहे अमेरिकन प्रेस और अमेरिकन सरकार कुछ भी कहती रहे, मुझे नहीं लगता कि जो बाइडन इसमें संलिप्त नहीं है। जो बाइडन और नैन्सी पोलोसी का डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन है। बहुत सारे हलकों में कहा जा रहा है कि नहीं, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है और वो स्पीकर ऑफ द हाउस है, स्पीकर ऑफ कांग्रेस है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, सरकार नहीं रोक सकती। ये बात सच है, लेकिन मत भूलिए यह बात कि दोनों एक पार्टी के हैं। फिर कुछ टाइमलाइन को, कुछ बिंदुओं को आप जोड़ते जाएं। जवाहरी पर ड्रोन से स्ट्राइक की गई, उसके बाद आप दूसरा बिंदु को आप जोड़ें तो नैन्सी पेलोसी ताइवान में लैंड होती हैं। तीसरा बिंदु आप जोड़ें, अभी अभी कुछ देर पहले की ही बात है कि जो बाइडेन ने अप्रूव किया है, अमेरिका ने अप्रूव किया है आर्म सेल्स टू सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मतलब इसका क्या हुआ कि अब अमेरिका वापस अपनी जगह को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है मध्य पूर्व में, इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में। तो जो नुकसान हुआ था उनको सीरिया के बाद, अफगानिस्तान के बाद और कुछ हद तक यूक्रेन के बाद भी हुआ है, मानना पड़ेगी इस चीज को, क्योंकि यूक्रेन में जो ये चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। उसको वापस से अपनी गई हुई साख को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। और जब ये होता है तो डेफिनेटली इसके जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। अब ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी कि चाइना किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वहां पर हमको नहीं भूलना चाहिए कि शी जिनपिंग को भी पीपल्स ट्वेंटी कांग्रेस को फेस करना है नवंबर के आसपास, तो उनके पास भी समय कम है। इधर मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में उसी समय, तो जो बाइडेन की भी इज्जत साख पर है, शी जिनपिंग का पॉलिटिकल करियर साख पर है। और जब बड़े नेताओं के हाथ से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स निकलती है तो कहीं ना कहीं वो विदेश नीति का सहारा लेते हैं। अब शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला चीन किस प्रकार से रिएक्ट करेगा ये देखना होगा। लेकिन मैं जब से बातें आ रही थी कि नैन्सी पेलोसी जा सकती है, तब से मैं कह रहा था कि चीन की तरफ से जो बातें आ रही है कि हम फोर्स का उपयोग करेंगे, और उन्हीं के जो ग्लोबल टाइम्स के जो पूर्व संपादक थे वो तो यहाँ तक ये कह दिए थे कि उनका जो प्लेन है उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चीन की, वो उसको ध्वस्त कर देगी और उसको उनको मार गिराएगी। मैंने यही कहा था कि चाइना इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का जो पावर है वो चीन भी जानता है, ऐसे मूर्खता नहीं करेगा। नंबर एक। नंबर दो, यदि चीन ऐसा कुछ करना होता तो नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद और इस समय अब जो ये एक्सरसाइजेस करने की बात कर रहे हैं लाइव एम्यूनिएशन से, यदि वो पहले से ही करते रहते, जब नैन्सी पेलोसी जो थी वो आसपास के मुल्कों की कैपिटल्स में थी, वो लीडर्स से मिल रही थी, वो बार बार ट्वीट कर रही थी, तो उनका प्लेन आ ही नहीं सकता था यदि वहां पर उस समय लाइव एम्यूनिएशन के साथ चाइना एक्सरसाइज करता। मतलब चाइना ने प्रोवोकेशन एक पॉइंट से ज्यादा करने की कोशिश नहीं की। उसके पीछे का कारण दो तीन है, क्योंकि यूएस यदि पेलोसी के साथ कुछ होता है तो फिर यूएस को स्ट्राइक बैक करना आवश्यक बन जाता। नंबर दो, चीन के अंदर यदि अभी हम देखें तो आर्थिक हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। और नंबर तीन, आप चीन को ये सोचिए, चीन हम कुछ भी कहते रहे चीन के विषय में, चीन के सिस्टम में, मुझसे बड़ा क्रिटिक तो बहुत कम होंगे कि जो चाइना को दिन रात कोसते हैं और इनकी एक एक चीज को पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन
शी जिनपिंग के हाथ में भी पूरा पावर नहीं है, ये रशिया नहीं है जहां पुतिन के हाथ में पूरा के पूरा पावर हो। वहां पर जो पॉलिट ब्यूरो है कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी लेता है। वो जियान का जो फ्रैक्शन है, जो हु जिनटाओ से पहले राष्ट्रपति थे, मत बोलिए कि जो सीक्रेट पुलिस और सीक्रेट एजेंसी है, आज भी जियान का दबदबा शी जिनपिंग से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है। तो एकदम इस प्रकार की एब्रट एक्शन करने की हैसियत शायद शी जिनपिंग की भी नहीं है। लेकिन अब शी जिनपिंग को लगता है कि चीजें उसके हाथ से निकल रही है, बिल्कुल ही हो सकता है कि उनकी जो प्रेसिडेंसी वापस रिक्लेम करने की, थर्ड प्रेसिडेंसी क्लेम करने की बात कर रहे हैं, उस पर भी आन बने, तो फिर कुछ एब्रप्ट रिएक्शन कर सकते हैं। और मुझे लगता है दो तीन रिएक्शन हो सकती हैं इसमें। एक तो जैसे पेंगु आइलैंड्स हैं जो बेसिकली ताइवान का हिस्सा हैं और चीन के बहुत नजदीक हैं, ऐसे और भी कुछ छोटे आइलैंड हैं, लेकिन पेंगु आइलैंड बड़े प्रमुख हैं उनमें, उन पे वह कब्जा कर सकता है चाइना। और इसमें क्या होगा कि ठीक है कुछ सेंक्शन चीन पे लगेंगे, लेकिन वॉर की सिचुएशन अमेरिका के साथ नहीं आएगी, अमेरिका भी खुश। उसमें जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, कहीं ना कहीं जो बाइडेन को, डेमोक्रेट्स को भी फायदा मिल गया और शी जिनपिंग को भी उसमें फायदा मिल गया कि देखो हमने इस प्रकार से रिएक्ट किया। दूसरा ये रिएक्शन कर सकते हैं कि किसी न किसी पोर्ट को जो है वो परमानेंट ब्लॉक कर दें बहुत लंबे अरसे तक, एक ये रिएक्शन आ सकता है। लेकिन उससे ज्यादा मेजर कोई, आप ये देखिए कि फाइनेंशियल सेंक्शंस भी चीन नहीं लगा रहा है। चीन ने कुछ सेंक्शंस लगाए, मैं देख रहा था कौन कौन से सेंक्शंस लगाए हैं, तो उन्होंने जैसे विजिट एग्रो प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं, दूसरी चीजों पे लगाए, लेकिन उन्होंने सेमीकंडक्टर पे नहीं लगाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा उत्पादन है और निर्यात है ताइवान का जो सबसे ज्यादा उपभोग चीन करता है। और चीन की जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज है, चाहे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है मेड इन ताइवान सेमीकंडक्टर्स पर। टीएसएमसी जो है वो वहां की जो यूनिट है ताइवान की, वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सेमीकंडक्टर्स की। तो मुझे लगता है कि चीन जो है अपनी अर्थव्यवस्था को भी देख रहा है। चीन से एनीथिंग अबाउट रशिया, उस स्थिति में चाइना नहीं है कि इतने सेंक्शन झेल ले। रशिया की इकोनॉमी के विषय में वेस्टर्न जो एनालिस्ट है बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते रहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि दो चीजें हैं रूस के पास जो चीन के पास नहीं है। एक तो रूस की इकोनॉमी जो है वो एनर्जी सरप्लस इकोनॉमी है, और दूसरा एग्रीकल्चर सरप्लस है, फूड सरप्लस और एनर्जी सरप्लस, इसलिए वो सस्टेन कर सकती थी इतने सारे सेंक्शंस को और स्ट्रांग उभरी एक तरह से। लेकिन चीन ना एनर्जी सरप्लस है ना फूड सरप्लस है, और उसकी इंडस्ट्री चलती है एक्सपोर्ट से। तो चीन यदि इतने सेंक्शन इतने दिन चीन के ऊपर होते तो शायद वहां पर तो हंगामा मच जाता। तो चाइना ये भी जानता है कि वेस्ट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है सेंक्शंस लगाने की। हालांकि चीन के ऊपर सेंक्शन लगाना वेस्ट के लिए भी इतना आसान नहीं, क्योंकि फिर सप्लाई चेन की जो समस्या आएगी, इन्फ्लेशन बिल्कुल छत फोड़ के निकलेगा। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा रिएक्शन होगी, रिएक्शन तो होगी लेकिन हो सकता है किसी ना किसी पोर्ट को परमानेंट चाइना ब्लॉक कर ले, हो सकता है किसी आइलैंड को अनेक्स कर ले, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यदि शी जिनपिंग की हालत बहुत खराब होती है तो पता नहीं। लेकिन एक बात है कि अब चीन बार बार जो एयर स्पेस जोन है ताइवान के, उनके और ज्यादा उल्लंघन करेगा, बार बार किसी प्रकार की हो सकता है कि आइलैंड्स पर स्कर्मिशेस भी करने की कोशिश करे, फिशिंग बोट्स को परेशान करे, ये सब चीजें अब बढ़ेंगी प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि वहां की भी डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसको शी जिनपिंग को एक स्ट्रॉन्ग लीडर का मैसेज देना पड़ेगा। सुरेश भाई, रोहित एक चीज जी, और कि क्या आपको ऐसा लगता है कि चाइना और अमेरिका की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं इंडिया का फायदा है, क्योंकि चाइना टू फ्रंट पे गेम खेल रहा है और टू फ्रंट पे उसके लिए प्रॉब्लम होगी जरूर? देखिए जितना ज्यादा मैं हमेशा कहता हूं, जब यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का जो गठबंधन अवकस बन रहा था, तो लोग उसके खिलाफ भी बोल रहे थे कि भाई साहब जो क्वाड है तो अवकस की क्या आवश्यकता है। तब भी मैंने कहा था कि चीन के खिलाफ जो कुछ भी बनता है, चीन का इंगेजमेंट जितनी बढ़ती है दूसरे देशों के साथ, मिलिट्री ऑपोजिशन की चीन के खिलाफ ऑपोजिशन एंगेजमेंट जितनी बढ़ती है उतना ज्यादा हिंदुस्तान को लाभ होगा।
और अभी भी जो स्थिति बनेगी वहां पर, उसका सबसे स्वाभाविक फायदा किसी को होना है तो हिंदुस्तान को होना है। और आप देखिए, भारत अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, केवल वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाया हुआ है, क्योंकि इनको लड़ने दो वहां पर। हम अभी देखो और देखते रहो, उसके बाद प्रतिक्रिया दो। वेट एंड वॉच, ठहरो देखो की नीति पे काम करना चाहिए। यही चीज मैंने कही थी जब रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि ठहरो और देखो की स्थिति को हमको अडॉप्ट करना चाहिए, और आज उसका फायदा मिला हमको। मैं अभी भी इसमें भी कहता हूँ कि हमको कोई जरूरत नहीं है कोई स्टेटमेंट देने की। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम भी डेलीगेशन भेज दे, कोई आवश्यकता नहीं है हिंदुस्तान को। अभी देखो, वेट एंड वॉच की स्थिति को इख्तियार करो। चीन जितना ज्यादा उस तरफ एंगेज होगा, उतनी ज्यादा हमारी बॉर्डर्स रिलैक्स होती हैं। बोले भाई, एक चीज आपका और, क्या हम लोगों की ये सारी चीजें बढ़िया है, हमारी भी बॉर्डर पे स्थितियां रिलैक्स होने शुरू होंगी, ऐसे में आप क्या क्वाड का क्या फ्यूचर देखते हैं, और हमारा जो I2U2 है इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, एक बात तो है कि नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जाकर एक मोमेंटम तो शुरू कर दिया है, और डेफिनेटली डेफिनेटली जो क्वाड के देश हैं उनको उस मोमेंटम को बढ़ाना चाहिए। भारत अकेले कुछ भी नहीं करे, लेकिन क्वाड की तो हमारी साझेदारी है वहां पर। क्वाड कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज को, अब आप ये सोचिए कि अभी नैन्सी पेलोसी गई हैं, कल से ब्रिटेन का या का भी कोई जो नुमाइंदा वहां चला गया, तो क्या स्थिति बनेगी? इसका मतलब चीन पूरी तरह से घिरा जाएगा। और सपोज करें कि यूरोपियन यूनियन ने कल से कोई डेलीगेशन भेज दिया, तो क्या होगा? कि क्या उनको उड़ा देगा? उनको उड़ाने का मतलब कितनी कंट्रीज के ऊपर चीन ने हाथ डाल दिया। उसका मतलब तो ये हुआ कि फिर चीन के व्यापार का जो सबसे बड़ा साझेदार है वो तो यूरोपियन यूनियन है, उसको भी कुछ नहीं कर सकता। तो नैन्सी पेलोसी ने मेरी दृष्टि में एक रास्ता खोल दिया है, जो एक ऐसा नासूर खोल के आ गई है जिसको बार बार रिट्रेट किया जा सकता है और चीन को परेशान किया जा सकता है, और चीन कर कुछ नहीं पाएगा तड़पने के अलावा। भाई आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या जी इंडिया ताइवान कोई डेलीगेशन भेज पाएगा या भेजना चाहिए आगे नियर फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म फ्यूचर में? रोहित भाई, जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो हमेशा बदलती रहती है, इसलिए मैं नियर फ्यूचर या फ्यूचर की बात नहीं करूंगा। लेकिन अभी मुझसे आप पूछे तो हिंदुस्तान को नहीं भेजना चाहिए, हमको वेट एंड वॉच की पॉलिसी को इख्तियार करना चाहिए। देखते हैं ना, तेल देखो, तेल की धार देखो, क्या होता है उसके हिसाब से हम अपना निर्णय लेंगे जो हमारे राष्ट्रहित में होगा। गुलरेन साहब, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके साथ एक और टॉपिक में फिर जुड़ेंगे। जय हिंद। अभी के लिए आपकी एक अपील एनालिसिस, है लोग सबसे, जो एक कमेंट्स अपील कर रहे है, हैं बहुत एक अच्छी अपील है कमेंट्स कर रहे हैं, सबसे। लेकिन गुलरेन भाई की एनालिसिस हमेशा बहुत बढ़िया होती है और बहुत पसंद आती है। थैंक्स अ हर लॉट फॉर घर पे ज्वाइनिंग। तिरंगा लगाएं, ये अपील करता हूं सबसे, 13 से 15 तारीख के मध्य। ओके, थैंक्स अ लॉट, और आपसे हम जल्दी एक और टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।